गुड मॉर्निंग फ्रॉम उज्जैन, आपकी बडल ऑफ जॉय हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। महाकाल के दर्शन, ओंकारेश्वर के दर्शन और बहुत सारी लोकल साइटसीइंग दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं सीहोर। सीहोर में एक बहुत ही स्पेशल जगह है, दर्शन कराने के बाद वहीं से भोपाल जाएंगे, वहां से हमारी ट्रेन है वापसी दिल्ली के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम निकलेंगे 11:30 बजे तक सीहोर के लिए, जो कि 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। और वहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ पे कुछ लंच वगैरह करके हम निकल जाएंगे भोपाल रेलवे स्टेशन। धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे साथ, इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा स्थापित किया गया कुबेरेश्वर धाम सीहोर में स्थित है। अगर आप यहां पर ट्रेन से आना चाहते हैं तो इंदौर से आने वाली ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन सीहोर जरूर रुकती है। स्टेशन से कुबेरेश्वर का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आप एक ऑटो से कवर कर सकते हो जो 40 से 50 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप भोपाल से आ रहे हैं तो भोपाल से सीहोर का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, उसके आगे का डिस्टेंस आप ट्रेन से या फिर बस से भी कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो उज्जैन से कुबेरेश्वर धाम आपको 4500 रुपये लेंगे और फिर आपको सीधा भोपाल स्टेशन भी छोड़ देंगे अगर आपके आइटनरी में ये ऐड है तो। ये थी सारी जानकारी कुबेरेश्वर धाम की कि आपको कैसे पहुँचना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ रुकना और खाना कैसे कहाँ करना है। सीहोर में पंडित जी के द्वारा खाना और रुकना फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। यहाँ पर भंडारा हमेशा चलता रहता है, यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है, वहाँ पर आप दान भी दे सकते हैं, साथ ही में यहाँ पर गौशाला भी है, आप वहाँ भी दान दे सकते हैं। एक बंदे को एक रुद्राक्ष मिल रहा है और साथ में लगाया जाता है ये निशान कि आप दोबारा रुद्राक्ष लेने तो नहीं आ रहे हो, तो ये निशान लगता है और फिर आपको मिलता है रुद्राक्ष। ये है माता अन्नपूर्णा सीता रसोई, यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। और ये आप देख रहे हैं कुबेरेश्वर धाम के नज़ारे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर भागवत कथा कही जाती है और ये बहुत बड़ा धाम बन चुका है आज की तारीख में। लोग यहाँ पर आए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। कुबेरेश्वर धाम बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। यहाँ पर जो मंदिर आपको दिखाई देता है वहीं से पंडित जी ने अपने कथा वाचन की शुरुआत की। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और हम आए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। सामने राधा कृष्णा का बहुत ही विशाल मंदिर बनने वाला है, इसी आश्रम में पंडित जी भी रहते हैं। इस धाम में आकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर है व्यासपीठ और यहाँ पर पंडित जी महापुराण शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और ये सब लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए। और आप देख सकते हैं कि में शक्ति है ये व्यासपीठ। साथ ही में आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिलेगा सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसके नीचे गुफा बनाई गई है। गुफा के रास्ते से अंदर जाते हुए आप विशाल शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो बज रहे हैं सुबह के 7 और हम पहुंच गए हैं वापस दिल्ली। आई जस्ट होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे सारे ब्लॉग्स पसंद आए हैं और आप चाहते हैं मैं कंटिन्यूटी में अलग अलग डेस्टिनेशन के ब्लॉग्स बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।